दोस्तों हम निकल गए हैं राजीव चौक से, बाहर को निकल रहे हैं। आप राजीव चौक से जैसे ही बाहर को निकलेंगे तो गेट नंबर 7 से बाहर को निकलिएगा। बाहर को निकलते ही आपको कॉर्बल्स मिलने लग जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे और कितनी महंगी और कितनी सस्ती मिलती हैं। आपको दिखाने जा रहा हूँ आज कनॉट प्लेस का रेड लाइट एरिया। जी हाँ, क्या वाकई कनॉट प्लेस में कोई रेड लाइट एरिया है या नहीं है? आप जुड़े रहिए और तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए, ये एक्सेलेटर से हम ऊपर को चढ़ेंगे और ठीक हम सीपी के सेंट्रल पे निकल जाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे खोजा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है, कैसे पहचानें और कैसे डिसाइड करें, कैसे तय करें कि कहाँ जाना है, कैसे ले जाना है। तो हम देखिए गेट नंबर 7 से बाहर निकल चुके हैं। लगभग देख रहे हैं शाम के लगभग 6:30 हो गए हैं और कई लोग आ और जा रहे हैं और कि कई सारे बार भी हमारे आसपास ही मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही बाहर निकलेंगे देखिए टेम्पो कैसे खड़े हैं लाइन से, यहाँ पे टेम्पो खड़े हैं, बस यहीं से शुरुआत हो जाती है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब देखिए यहाँ से खड़े हैं, बुकिंग है, लोग बैठे हैं और ये भगवद गीता बिक रही है। भगवद गीता खरीदें। और ऐसे ही कपल्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कपल्स बड़े आराम से प्यार से बैठे हुए हैं और शाम के टाइम का आनंद ले रहे हैं। देखिए कई सारे लोग भी बैठे हुए हैं जो शाम को सीपी में बैठ के सीपी का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे अलग ही आनंद है, लेकिन हम अपना मकसद भूलेंगे नहीं। आपको जो दिखाना है आज हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली कि कैसे आप यहाँ पर रेड लाइट खोजें, क्या यहाँ पर है या नहीं है कोई। पहले तो ये बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि कहाँ आपको मिल सकते हैं, कैसे आप खोजेंगे, कैसे आप पता करें। जब आप गेट नंबर 7 से राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न करने का थोड़ा सा आगे आएंगे, देखिए मेट्रो की आप देख रहे हैं, मेट्रो में जाने के लिए ये लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट नंबर 4। हम लिफ्ट नंबर 4 के आगे आ चुके हैं तो आपको मैं बताता चल रहा हूँ। और ये एक पान वाला, ठीक, शाम के टाइम लोग घूमते हुए बहुत अच्छे से, ये देखिए हर कोई शाम के नज़ारों का आनंद ले रहा है। ये मौसी और ये कपल्स को देखते ही उनसे पैसे वसूल लेती हैं। बच के रहिएगा कपल्स अगर आप लोग हैं तो। और ये देखिए पोस्टर बिक रहे हैं बड़े अच्छे, ये कनॉट प्लेस की मार्केट है। और अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे पे ही खड़ी रहती हैं और यहाँ का रेड लाइट एरिया जो फेमस रेड लाइट एरिया है। बाकी आपको रेड ड्रेस में काफ़ी लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेड लाइट है। ये आपको मैंने, ये देखिए, ये आप यहाँ पे ये साइकिल किराए पे ले सकते हैं, बैटरी वाली साइकिल है, बड़ी अच्छी तेज़ चलती है। यहाँ पे कोई फ्रेंड लेके ही आया होगा अपना। और ये देखिए शाम की हंसी नज़ारे यहाँ के, ये फल बेचते हुए। अब थोड़ी सी दूरी पर रह गए हम, देखिए लोग काफ़ी लोग खड़े हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग बार्गेनिंग करते हैं, कैसे लोग फ्लर्ट करते हैं और कैसे माल को सेट करते हैं। अब आप चलते रहिए मेरे साथ में। अब हम रेड लाइट एरिया से ज़्यादा दूर नहीं हैं, बस 2-3 मिनट में ही हम आ गए हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ का रेड लाइट एरिया। देखिए कई सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, शाम का एंजॉय कर रहे हैं। ये है यहाँ का म्यूज़िक म्यूजिशियंस ऊपर बार है। अभी हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे काम होता है। ये देखिए कई लोग बैठे हुए हैं, वो देखिए आप सामने दिख रहा होगा आपको दूर से। हाँ, ये यहाँ पे बड़े सस्ते से स्वेटर मिल रहे हैं, अगर आपको स्वेटर लेनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए, आपको दिखाता हूँ सस्ते सस्ते हुड कैसे दे रहे हैं। भैया कैसे दिए हैं? भैया कैसे दिए हैं? 250 का दे रहे हैं भैया, तो 250 में ले लीजिए। स्वेटर बहुत अच्छी हैं भैया, इससे कम में मिलेंगी, इससे कम भी मिलेंगी, 200 में ही देंगे। अच्छा 100 रुपए में भैया कहता रहे हैं कि मफलर आएगा, 250 में स्वेटर आएगी, 250 की मिलेगी, 250 में ही मिलेगी स्वेटर, आज लें या कल लें मिलेगी 250 में ही स्वेटर। अब हम आपको दिखाने वाले हैं आगे, जुड़े रहिए, तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आप देखेंगे। ये देखिए
कई सारे लोग खड़े हैं। अब यहीं पे फेमस पान वाला है, आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे और वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर आप यहाँ पे 10-11 बजे आएंगे तो आपको कई सारे लोग यहीं पे मिल जाएंगे, कई सारे लोग मिल जाएंगे आपको इसी इलाके में मिलते हुए। अब हम जा रहे हैं, देखिए सामने, देखिए आप सामने देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं यहाँ का फेमस, ये पेट्रोल पम्प आ गया, यहाँ का फेमस रेड लाइट एरिया। अब हम चल रहे हैं रेड लाइट की तरफ ना, अब हम आपको यहाँ के रेड लाइट दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर नज़ारे शाम के, बड़े बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ के। और ये आ गया है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, याद रखिएगा ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और बस इससे थोड़ा सा, थोड़ी सी दूरी पे आप चलेंगे तो आपको यहाँ का फेमस जो है रेड लाइट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी आगे ले जा सकते हैं। और ये देखिए, ये आ गया है सीपी का रेड लाइट एरिया, जो अब हो रही है ग्रीन। तो दोस्तों फिर दूसरे ब्लॉक में मिलता हूँ, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं मिला, कहीं और खोजता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।